इसका बेस देखो, इसके नखरे देखो, इसके चाल चलन देखो, ये ऐसी है, ये वैसी है, ओह ये कम कपड़े पहनती है, ओह माय गॉड ये तो बहुत ही इजी होगी। तो ऐसे में हम क्या करें, किसके पास जाएं और किसके साथ हम ये शेयर करें कि हम कैसा फील करते हैं जब हमें रेट किया जाता है, जब हमें जज किया जाता है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को हिम्मत दो, हौसला दो और कहो ठीक है, यू वॉन्ट टू रेट मी, गो अहेड। पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो आप कौन हो, कहाँ के तुरंत खान हो। लेकिन नहीं, बड़े आए हमको रेट करने वाले, आपकी औकात क्या है? हाँ बिलियनर हो, अंबानी हो, कौन हो आप? अधिकतर ट्रोल्स वेले होते हैं, दिमाग के पैदल होते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास, इसलिए दूसरों को जज करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आगे वाले की मानसिकता कैसी है। अगर घिनौनी है, घटिया है, तो वो जज करते ही हैं। मतलब नेक्स्ट सॉन्ग तो जुलाई में आने वाला है, मतलब बरसात में आपकी तरफ से आग आने वाली है कुछ जी ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, क्या सर आपका कोई सवाल था? सवाल तो शर्लिन जी, मेरा सवाल है आपसे। आपने काफी एक मुद्दे को लेकर आपने काफी लड़ा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को, और आपने काफी आवाज उठाई थी सामाजिक माध्यमों पर। इन दिनों काफी पिछले एक महीने से जो रेसलर है वो सड़क पर है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनी गई है। और आज दिल्ली पुलिस ने भी जो उसको एक्ट हटा दिया है ब्रिजभूषण के ऊपर से, क्या कहना चाहोगे आप? इस तरह की घटना होती है तब आप क्या कहना चाहोगे? मैं शुरुआत से हमारे देश के चैंपियंस के समर्थन में खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक जिनके ऊपर या जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद क्या हुआ? यानी अगर इस देश के चैंपियंस सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो हम अपने बारे में क्या उम्मीद रखें? यानी हम सुरक्षित होंगे या नहीं? अगर देश के चैंपियंस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएं? हम जाकर किसका दरवाजा खटखटाएं? न्याय की गुहार हम कहाँ जाकर लगाएं? तो मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब वो पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी लड़की सरेआम न्याय की गुहार यूं ही नहीं लगाती है। तो जो लोग इस तरह सोचते हैं कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। और मैं चाहूंगी कि हमारे देश के चैंपियंस को बहुत जल्द इंसाफ मिले, तब जाकर हम सुरक्षित महसूस करेंगे। शर्लिन जी, बॉलीवुड की तरफ से कोई भी समर्थन नहीं है, जिस तरह से आप ये हम सपोर्ट कर रही है, कंगना मैम हो या कोई भी दीपिका पाडुकोण हो, आलिया भट्ट हो, उन्होंने कोई भी समर्थन नहीं किया इस बड़े मुद्दे पे, कोई बातचीत नहीं की। क्या लगता है आपको, टॉप एक्ट्रेस को आना चाहिए उनके समर्थन में? कंगना जी ने कुछ कहा नहीं इस विषय पर। मैं कहना चाहता हूँ, मतलब सारे लोगों को ये आना आश्चर्य की बात है कि कंगना जी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? वो तो बड़े एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण हो या आलिया भट्ट हो, क्या इनको भी आना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर हम ये सोचें कि ठीक है ना, वो हमारे क्या लगते हैं, हमारे लगते हैं, हमारी बहनें लगती हैं, अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े ना हो तो फिर
फायदा क्या है समाज में जीकर? हम जाके पर्वत में जी सकते हैं, जंगल में जाकर जी सकते हैं, समाज में रहने का मतलब क्या है? हम एक कम्युनिटी है, एक परिवार है। अगर आपके साथ गलत होता है और मैं उस कुकर्म पर अगर कोई टिप्पणी ना करूं और मुंह फेर लूं, कहूं कि ठीक है ना आपकी जिंदगी, आप भुगतो, नो, ये तरीका गलत है। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम सब भारतीय हैं, हम सब इस भूमि के बच्चे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि जब जब इस देश में कुछ गलत हो हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा लास्टली आप दो लाइन बोल दो हमें माइक पर। यस, आपकी दो लाइन बोलिए। खड़े होकर नहीं, बैठ के माइक नीचे ना, माइक पकड़ना पड़ेगा। बैठ कर चलिए ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ करते हैं जज। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए सर, ये पकड़ ले, सब पकड़ लो, थैंक यू, पकड़ लो। अच्छा